हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम से पढ़ रहे हैं दिल्ली संतुलन, और दिल्ली संतुलन में मैंने आपको कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है होगा हमारा वो है सैयद वंश। लेकिन सैयद वंश से पहले मैं आज आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी यहाँ पे मध्य भारत की, मध्य भारत की बात करते हैं, और मध्य भारत में पहला जो आक्रमण करता है भारत में वो कौन करता है आपका, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर जब वो आक्रमण करता है तो समय क्या होता है, 712 ईस्वी। देखो दोस्तों, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि आपको याद कैसे करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये अपने धर्म प्रचार के लिए भारत पे आता है और कुछ यहां से संपत्ति को क्या करता है, लूट के लेके जाता है। लूट कह सकते हो इसको कि कुछ लूट करने के लिए आता है और कुछ धर्म प्रचार के लिए वो आता है। उसके बाद मैंने बताया आपको मोहम्मद बिन गजनी, मोहम्मद गजनी कह सकते हो आप, मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण करता है 1001 से 1027 तक, 1001 से 1027 तक वो भारत पर कंटिन्यू क्या करता है, आक्रमण करता है। और जब वो आक्रमण करता है टोटल 17 बार भारत पर क्या करता है, वो आक्रमण करता है, और 17 में सबसे पहले सबसे मेन जो इसका आक्रमण माना जाता है 1025 यानी कि सोमनाथ मंदिर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, जिसमें 20 लाख दिनार वो क्या करता है, लूट के लेके जाता है। दोस्तों ये तक तो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद 1030 में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और वो पूरी रूप से यहां पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहां पे मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी 1175 पे भारत पे आक्रमण करता है कंटिन्यू, 1198 तक कंटिन्यू भारत पर क्या करता है, वो आक्रमण करता है, जिसमें से मेन जो पॉइंट था तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। ये दोनों युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले में वो हारता है और दूसरे में जीतता है। पहले किससे हारता है, पृथ्वीराज चौहान से, और दूसरे में किससे जीतता है, पृथ्वीराज चौहान से। और 1198 का जो मैंने आपको युद्ध बताया था आपको मैंने, वो कौन सा बताया था, चंदवार का युद्ध, और चंदवार के युद्ध में जय चंद को वो हराकर पूरे भारत पे क्या करता है, राज करता है। ये चीजें मैंने आपको यहां पे क्लियर करानी थी। लेकिन आज मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, दिल्ली संतुलन मोहम्मद गौरी के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका जो दास होता है, ये कह सकते हो आपकी उसका गुलाम, वो क्या करता है, भारत पर दिल्ली पर राज करना स्टार्ट कर लेता है, और 1206 से वह भारत पर अधिकार जमा लेता है, और अधिकार जमाने के बाद 1206 से 1210 तक वो क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, और चौगाल खेलते समय इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था गुलाम वंश के बाद, फिर मैंने बताया था आपको खिलजी वंश, खिलजी वंश भी बताया मैंने आपको, और खिलजी वंश में मैंने आपको बताया कि ये समय काल कहां से कब से कब तक चला। अब देखिएगा दोस्तों, जब मैंने इतने सारे रीजंस आपको बताए, पॉइंट्स बताए, उसके बाद में अगर यहां पे एक ट्रिक बता दूं, जैसे मैंने यहां पे बताया था गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से आ गया था गुलाम वंश, और खिले से आ गया था खिलजी वंश, तो से आ गया था तुगलक वंश, सौ से आ गया था सैयद वंश, और लो से आ गया आपका लोधी वंश। ये चार पांच वंश जो हमारे हैं दिल्ली संतुलन में, इसको बहुत ही बढ़िया करके अगर आप याद करते हो तो दो से चार क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाता है। दोस्तों ये हमारे सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की बात करें हर जगह पूछा जाता है। तो ये तो था हमारे कुछ पॉइंट, मैंने बताया था गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में चलता है, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है, तुगलक वंश 1320 से 1398 कह सकते हो उसको, मैंने आपको बताया था, या 1414 तक। उसके बाद तुगलक के बाद था सैयद वंश चलता है 1451 तक,
और 1451 से लोधी वंश चलता है 1526 तक, और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं यहां पे मुगल वंश। अब बात करेंगे यहां पे दोस्तों हम सैयद वंश की। सैयद वंश की शुरुआत कहते हुए, जैसे मैंने आपको बताया सैयद वंश की जो शुरुआत होती है वो कौन करता है, मोहम्मद खिलज खान। और खिलज खान जब सैयद वंश की शुरुआत करता है तो उसमें सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, वो क्या करता है रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है, और उसके बाद वो दिल्ली पर क्या करता है शासन करता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो वो कौन था आपका मोहम्मद खिलज खान। उसके बाद जब वो रैयत ए आला की जब उपाधि धारण करता है तो उसके बाद वो दिल्ली पर शासन करना स्टार्ट कर लेता है, और वो अपने आप को तैमूर रंग का क्या मानता है, सेनापति मानता है दोस्तों। बस ये दो से तीन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि तैमूर रंग का सेनापति कौन अपने आप को मानता था, तो कौन मानता था मोहम्मद खिलज खान। उसके बाद बात करते हैं यहां पे उसका जो उत्तराधिकारी होता है मुबारक खिलजी खान, मुबारक खान या मोहम्मद मुबारक खान या खिलजी खान भी कह सकते हैं उसको। मुबारक खान यहां पे क्या करता है शासन करता है 1421 से लगभग 1443 तक, ये क्या करता है यहां पे शासन करता है। और जब यह शासन करता है तो इसके शासन में कोई खास कार्य तो कुछ नहीं है दोस्तों, और ना यह हमसे पूछा जाता है। ये सिर्फ इतना बताता है कि जब यह शासन करता है तो इसके साम्राज्य में सभी खुशहाली की जिंदगी बिताते हैं। अब ये तो हमको पता नहीं है कि क्या इसका रीजन रहा होगा और क्या इसके कारण रहे होंगे, ये हमको भी पता नहीं है दोस्तों, ना इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद सिर्फ आपको सैयद वंश का अंतिम शासक का अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सैयद वंश का अंतिम शासक होता है अलाउद्दीन नासरुद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन नासरुद्दीन आलम शाह, इसको आलम शाह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और आलम शाह 1443 से लगभग 1451 तक ये क्या करता है शासन करता है। और जब यह शासन करता है तो उसके बाद जो नया वंश आता है जिसका नाम है लोधी वंश, फिर होती है लोधी वंश की शुरुआत। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक क्या करता है भारत पर शासन करता है, और उसके बाद डायरेक्टली कौन आता है मुगल वंश। और मुगल वंश का जो पहला शासक होता है जिसने मुगल वंश की शुरुआत की थी वो था बाबर, जिसमें हम पढ़ते पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तो ये सारी चीजें हम जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये इस टाइप से अगर आप लोग याद कर लेते हो, अगर आपके माइंड में अगर इन चीजों का अगर आप पे समझ में आता है, तो दोस्तों ये इससे ज्यादा बेटर आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं हमारे कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों, ताकि आपकी समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं लोगों से, और इतिहास को पढ़ना कितनी बड़ी बात है ये शायद अदरवाइज नहीं जान पा दूंगी आप लोग। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कल पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोधी वंश, और लोधी वंश को पूरी रूप से यहाँ पे क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे, उसके बाद चलेगा हमारा मुगल वंश। तो ये था दोस्तों आज का पूरे 712 से मध्य भारत से लेकर लास्ट लोधी यानी सैयद वंश तक मैंने आपको यहां पे पूरी रूप से बता दिया है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू अगर मध्य भारत पढ़ना चाहते तो दोस्तों इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता है, तो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।